हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केलटेक एनर्जीज लिमिटेड की। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो ऑल टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। 9889% का रिटर्न देखने को मिलता है और यहाँ पे 5 ईयर्स के अंदर 344% का रिटर्न, 1 ईयर में बात करें तो 205% की शानदार रैली यहाँ पे देखने को मिला है केलटेक एनर्जीज लिमिटेड के अंदर। दोस्तों, यहाँ पे बात करें 6 मंथ के अंदर तो भी यहाँ पे 70% का रिटर्न है और अभी के टाइम पे भी यहाँ पे 10% की अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया है केलटेक एनर्जीज लिमिटेड के अंदर। दोस्तों, तो दोस्तों इसी कंपनी के बारे में आज पूरी जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे केलटेक एनर्जीज लिमिटेड के अबाउट। सबसे पहले यहाँ पे कंपनी बेसिकली केलटेक की अगर आप देखोगे तो बहुत छोटी स्मॉल कैप की, माइक्रो कैप की कंपनी है जिसके पास मात्र 340 करोड़ का यहाँ पे आपको मार्केट कैप देखने को मिलेगा इस कंपनी का। और यहाँ पे अगर आप बात करें तो इस कंपनी की जो एक तरह से स्टॉक का जो पी है अभी भी 17 पे ही है, यानी मार्केट की इंडस्ट्रीज के पी से आधी के पी पे आपको अभी भी देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ से अगर मार्केट के पी पे भी जाता है तो यहाँ से भी अभी आपके पैसे को डबल कर सकता है यहाँ पे केलटेक एनर्जीज लिमिटेड। दोस्तों, बेसिकली करते क्या है यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसका कंपनी माइनिंग में, शिपिंग में, शिप बिल्डिंग में, इंडस्ट्रियल साल्स की बात करें, ऑटोमोबाइल्स की बात करें, आयरन ओरी की बात करें, कंस्ट्रक्शन एंड केमिकल्स की बात करें, तो ये सब सारी चीजों में ये काम करती हुई नजर आती है। तो यहाँ पे अभी के टाइम पे देखोगे तो इस कंपनी का जो EPS है 198 रुपया का है और यहाँ पे इस कंपनी जो इसका जो मेन सेक्टर है केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी केलटेक एनर्जीज लिमिटेड। काफी पुरानी 1977 में स्टेब्लिश हुई ये कंपनी और इनके पास अभी के टाइम पे डेप्ट मात्र 23 करोड़ 60 लाख का देखने को मिलता है। यानी डेप्ट इक्विटी अगर आप देखोगे तो 0.26 का है और प्रमोटर के पास जो होल्डिंग अगर आप बात करें तो यहाँ पे 54.3% का देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे रिजर्व्स कंपनी के पास 88.2 करोड़ का है और यहाँ पे FIS के पास होल्डिंग नहीं है, DIS के पास 0.14% की होल्डिंग देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस कंपनी की जो पेट्रोस्की स्कोर है बहुत अच्छा दिया गया है, 9 दिया गया है रेटिंग, ऑसम यहाँ पे रेटिंग देखने को मिल रहा है और ग्राम नंबर की जो प्राइस है 1993 रुपया का यहाँ पे प्राइस दिया गया है एज पर द ग्राम नंबर। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस कंपनी की जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है, DIS है, वो कंटिन्यू 0.14% की होल्डिंग बरकरार रखे हुए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें प्रमोटर की तो प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग कंटिन्यू बरकरार रखे हुए नजर आ रहे हैं। साथ में यहाँ पे बात करें तो पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो माइनर अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग है जो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा है और पब्लिक की होल्डिंग प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा है, पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे कम आपको देखने को मिल रहा है। तो यानी मेजोरिटी स्टेक है जो प्रमोटर के पास ही आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ अगर हम बात करें इस कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं काफी शानदार आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का अगर आप देखें तो यहाँ पे जो कंपनी प्रॉफिट है, चाहे यहाँ पे आप सेल्स कंपनी इंक्रीज नहीं कर रही हो लेकिन कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा है, यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ, मार्जिन इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। आप देख सकते हैं 2.49 करोड़ से इनका प्रॉफिट बढ़ के 4.38 करोड़ हो गया है और यहाँ पे कंपनी का जो एक तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो 4.51% से बढ़ के 7.76% हो गया है। इसके साथ अगर हम देखें तो सेल्स में 151 करोड़ से गिर के यहाँ पे 95 करोड़ पे सेल्स आ गया Q3 क्वार्टर में। तो आने वाले Q4 क्वार्टर में कंपनी किस प्रकार से मार्जिन यहाँ पे रख पाती है और कंपनी कितनी प्रॉफिट करती है उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कंपनी कितना आगे, कंपनी का शेयर प्राइस जो कितना आगे जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स है वो कंटिन्यू इंक्रीज किया है और यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है ऑल टाइम हाई यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट 20 करोड़ का जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का अदर इनकम है जो 4 करोड़ का और 7% की मार्जिन के साथ 486 करोड़ का यहाँ पे सेल्स करती हुई नजर आई है FY24 के अंदर। Q4 के जब क्वार्टर का रिजल्ट आ जाएगा तो आई होप ये चीजें में और ज्यादा सुधार, इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। इसकी वजह से अभी भी इस स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी काफी अच्छी नजर आती है, स्मॉल कैप की है, मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली कंपनी है लेकिन पेनी स्टॉक है। दोस्तों,
क्योंकि यहाँ पे इनकी जो मार्केट कैप है बहुत कम है। बैलेंस शीट देखोगे तो कंपनी का बैलेंस शीट ठीक ठाक है, जिस लेवल की कंपनी उसके अकॉर्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट ठीक ठाक लग रहा है। और CWIP में माइनर अमाउंट लगता रहता है, इन्वेस्टमेंट कंपनी कंटिन्यू करते रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब सारी चीज़ें केलटेक इनर्जीज लिमिटेड के अबाउट। और बेसिकली अगर आप देखो यहाँ पे डिटेल्स में अगर आप देखोगे तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे जो केमिकल्स प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या क्या चीज़ों में काम करती हुई नजर आती कंपनी। एक्सप्लोसिव्स परलाइट की बात कर लें, हॉर्टिकल्चर की बात कर लें, फिल्टर एड की बात करें, तो ये सब सारी चीज़ों से रिलेटेड कंपनी काम करती है। और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8,400 मिलियन टन परलाइट की यहाँ पे मिलियन टन पर एनम यहाँ पे कैपेसिटी आपको देखने को मिलता है। एक्सप्लोसिव्स का यहाँ पे 1.53 लाख मिलियन टन पर एनम आपको मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी KEL का देखने को मिलता है। इसको शॉर्ट में केलटेक इनर्जीज लिमिटेड को यहाँ पे KEL हम बोलते हैं, मतलब कि यहाँ पे KEL के नाम से जाना जा रहा है। और इनकी रेवेन्यू जो ब्रेकअप आप देखोगे FY23 का, जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स से 93%, ट्रेडेड गुड्स से 4%, सेल्स ऑफ सर्विसेज से 3% यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करती हुई ने। सेगमेंट वाइज देखें तो एक्सप्लोसिव से 89% और परलाइट से 8%, अनअलोकेबल से यहाँ पे 3%। जियोग्राफिकल इनका जो बिजनेस है ज़्यादातर डोमेस्टिक से ही आता 92% और एक्सपोर्ट से यहाँ पे मात्र कंपनी यहाँ पे 6% का प्रॉफिट करती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे केलटेक इनर्जीज लिमिटेड का मैं यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स आपको बता रहा था। वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और किसी भी प्रकार का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो था दोस्तों। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज के साथ दोस्तों।